हमने ये बॉक्स बनाने के लिए ये एक जो टेप आता है उसके अंदर का बॉक्स लिया। अब हम इसके अंदर की शेप के तीन शेप्स काट लेंगे। इसे काट लेंगे, तीनों शेप्स को काट लेंगे। अब ये शेप्स जो हैं वो इतनी होनी चाहिए कि ये इस बॉक्स में से आ जाए। और एक शेप हमने काटी है बॉक्स के बिल्कुल साइज की। जिससे कि हमारी बॉक्स की बेस बनेगी। हम इसे चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इससे पेपर भी चिपक जाता है और फैब्रिक भी। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे फैब्रिक को चिपकाने के लिए। मैंने यहाँ पे वेलवेट फैब्रिक लिया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम ज्वेलरी बॉक्स वगैरह अगर वेलवेट से बनाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने अब एक साइज़ लिया है जिसका हम बेस बनाएंगे। उस पर हमने स्टिक लगाई। और इसको चिपकाएंगे कपड़े पर। अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे फोल्ड करने से पहले इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और इस पर ग्लू लगाकर इसे हल्के हल्के और सफाई से इस पे चिपका देंगे और ये अच्छे से चिपक जाएगा इससे। अभी हमारा बेस तैयार हो गया है। अब जो हमें इसके अंदर एक छोटा सा पीस लगाना है उस पर हम ग्लू लगाएंगे और इसे इस फैब्रिक पे चिपकाएंगे। ये है फेल्ट फैब्रिक। इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है, इसकी कटिंग बहुत आसान होती है। इसे अच्छे से चिपका लेंगे और फिर से कटिंग करेंगे। जिस शेप में है ये सेम उसी शेप में, हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं काटना है क्योंकि हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। अब जो बेस हमने तैयार किया था उस पर ग्लू लगाएंगे
और इस पीस को इस पर चिपका देंगे। ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब हम बॉक्स तैयार करेंगे। हमने ये वेलवेट इससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हमने कटिंग की है, क्योंकि ये अंदर फोल्ड होगा इस तरह से। तो अब हम इस पर भी ग्लू लगाएंगे। अच्छे से ग्लू लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और इसे अब दोनों तरफ से बराबर रखते हुए हम इस पर इसको चिपकाएंगे। दोनों साइड से बराबर ही हमारा ये चुटना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कपड़े के ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू लगाना है, हल्का हल्का, क्योंकि यहाँ पर जो है एंड हो गया है। इसे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वेलवेट है तो इसमें से धागे नहीं निकलेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था, इस पर भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि इसे फोल्ड करने में आसानी रहती है और बहुत सफाई भी आती है। ये हमने कट लगा लिए हैं इस पे। अब हम इस किनारों पर ग्लू लगाएंगे और इस तरह से इसको हल्के हल्के चिपका देंगे। ये हमारा बॉक्स इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमारा बेस भी तैयार है और हमारा बॉक्स भी तैयार है। अब हम जो है इसका लिड यानी कि ढक्कन तैयार करेंगे। हमने जो दो साइज काटे थे, अब हम दो को जोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब हम उसके एक साइड पर ग्लू लगाएंगे और उसे फिर से फेल्ट की फैब्रिक पर चिपकाएंगे। अब हमने इसको उसको कटिंग कर लिया है और कटिंग करके इस पर भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और ग्लू लगा के इसको हम उसी तरह से चिपका देंगे। अब बॉक्स के लिड के लिए हमने ये पीस बॉक्स के साइज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और उस पर वेलवेट को कटिंग करके हमने उसी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इस लिड के ही साइज का हम एक फेल्ट काटेंगे, जो कि हमें इसे अंदर से इसके ऊपर इस तरह से चिपकाना है और ये जो पीस है वो इसके ऊपर इस तरह से आएगा। अब ये जो है हम ग्लू गन की सहायता से इसे हम चिपकाएंगे। ये पीस हमने लिया और हमें ये इस पर फेल्ट चिपकाना है, तो इस तरह से हम इसके किनारों पर ग्लू लगाएंगे ग्लू गन से और ये इसको चिपका देंगे। ये बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से चिपक जाता है। और अब पीस को भी हम इसी तरह से इस पर चिपका लेंगे। ये अब हमारा लिड जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बॉक्स के साइज के ही बराबर हमने एक छोटी सी फेल्ट पट्टी काटी है, जो कि इस तरह से अंदर की साइड पर लगेगी और हम इसे अंदर
सेट करके अब हम ग्लू गन से इसके किनारों पे लगा के ग्लू इसे इस तरह से हल्के हल्के चिपका लेंगे। अगर आप क्राफ्ट वर्क करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक ग्लू गन तो होनी ही चाहिए। ये बहुत काम आती है, आपकी बहुत मदद करती है आपका क्राफ्ट वर्क करने में। तो इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है, बहुत इजीली चिपक जाएगा। और अब हम इसको इस तरह से इसके बेस से चिपका देंगे। ये बेस है, इसको हमने फेस के ऊपर इसकी तरह से अब चिपका देंगे। अब हम इसके किनारों पर ग्लू लगाएंगे। बहुत आसानी से चिपक जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। और बस हमारे लिड ऑलरेडी तैयार ही है। मैंने इस पर एक बटन भी लगा दिया है इसी के कलर का। ये तैयार है।